नमस्कार। जबलपुर से लगभग 35 किलोमीटर दूर बरगी गांव है। बरगी गांव में जो बरगी का जो क्षेत्र है, जहां पे सभी जानते हैं कि बरगी डैम बना हुआ है, माँ नर्मदा को पानी को रोक के आगे जो सप्लाई की जाती है, बरगी डैम बना हुआ है। इस बरगी क्षेत्र में एक चौरई गांव है, जंदिर है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, एक विशालकाय माता की प्रतिमा है और ये प्रतिमा लगभग 108 फीट की प्रतिमा बताई जाती है और 108 फीट है भी। हमने अभी यहाँ पंडित जी से बात किया तो उन्होंने हमको ये बताया। और यहाँ पे आप ये जो देख रहे हैं, इसकी जो है यहाँ पे जो मूर्ति स्थापित है, माँ की जो प्रतिमा स्थापित है, ये बहुत ही जीवंत है। जैसे कि कलकत्ता में माँ काली को पूजा जाता है, वहाँ पे ही एक जो साधक बहुत वर्षों पहले वहाँ गए थे दर्शन करने और उन्होंने वहाँ पे कुछ ऐसी मन्नत की थी, बाद में फिर उसकी ही प्रेरणा उनको लगी। इस वक्त हम मौजूद हैं जबलपुर के बरगी क्षेत्र में, जो कि जबलपुर से लगभग 35 किलोमीटर दूर बरगी क्षेत्र है। यहाँ पर हम आज आपको दर्शन करा रहे हैं माता महाकाली के, जो राजराजेश्वरी माता के नाम से फेमस हैं। राजेश्वरी माता का ये मंदिर, यही जानकारी मिली थी कि जिन्होंने ये मंदिर का निर्माण करवाया, उन्हें माता ने स्वप्न में ही जानकारी दी कि आप इस तरीके से हमारा मंदिर का निर्माण करें। और कुछ बहुत सारी बातें हैं जिनको अभी खुलासा हम आपको आगे कराएंगे। आपको मैं बता दूं कि ये राजेश्वरी मंदिर है, यहाँ मन्नत वाली काली भी बैठी हुई हैं, जो कि आपको मैं दिखा दूं अपने मेरे पीछे ये जो प्रतिमा है, ये लगभग 108 फीट की ये प्रतिमा है। और 108 फीट की, वहीं लोगों ने भी जानकारी दी कि ये 108 फीट की प्रतिमा नहीं बनाने वाले थे, मात्र 51 फीट की ये मूर्ति स्थापित करने वाले थे, लेकिन माता ने ही उन्हें ऐसा आशीर्वाद दिया, ऐसी जानकारी दी कि कलकत्ता से जो प्रेरित होकर इन्होंने यहाँ बरगी डैम के पास
इन्होंने जो माता का एक विश्व